दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। मेरा प्रणाम है, नीलम राणा, स्वागत करती हूँ आपका अपने ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे रूम से, और अभी मैं घर पर ही हूँ और सुबह के बज चुके हैं 7:30। और 7:30 बजे आज मॉर्निंग में उठी तो बिल्कुल भी कुछ काम करने का मन नहीं है अभी, तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपको फ्रेश होने के बाद। तो गाइस, फाइनली दीवान यहाँ पे बैठी हुई है मम्मी, यहाँ पे आ रही, और यहाँ नई सड़क में आ रही है गाड़ी, और उसमें आ रहा है किसी का बेड ऊपर छत में। और अभी देख सकते हो मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, एकदम पैक हो रखा है आसमान। यहाँ पे आ रही है आरोही, क्या कर रही है कि बंदर भगा रही है। आज यहाँ पे बहुत सारे बंदर है, जैसे इस वाले छत में देखो गेहूँ सुखाने के लिए डाल रखे हैं, तो बंदर गेहूँ खाने के लिए आ रहे हैं और लोगों को परेशान कर रखा है, तो इसलिए हमने भी डंडा रखा है ताकि बंदर आए और हम पे हमला ना कर पाए, क्योंकि ये बंदर ना इनको भगाते हैं, तो ये सीधा अगर हाथ पे कुछ ना हो तो सीधा हमला कर देते हैं, तो इसलिए हमने डंडा रखा हुआ है कि यहाँ पे आ जाएंगे हम उसे भगा देंगे। और अभी मैं आप लोगों को पता क्या दिखाती हूँ, हमारे घर के अंदर एक घोंसला है, उस पर छोटे छोटे से अंडे हैं, तो मैं उनको दिखाती हूँ आप लोगों को। चलो मेरे साथ इस वाले रूम में चल रहे हैं भैया भाभी वाले। तो पता घोंसला कहाँ पर बना रखा है, खिड़की होती है ना जो खिड़की पर बना रखा है, और खिड़की हमारी ग्रिल वाली है तो उससे बना रखा है, और अंदर से हमारी जालें लगा रखी हैं। तो ये देखो यहाँ पर बना रखा है घोंसला, मुझे लग रहा है शायद चिड़िया आ रही है, इसलिए अभी उन्हें परेशान ना करते हुए मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ, ठीक है? क्योंकि हमने खिड़की खोल रखी है, इस वाले रूम में फ़ैन नहीं है तो यहाँ बहुत गर्मी होती है, इसलिए हमने सोचा रूम ठंडा हो जाएगा इसलिए खिड़की खोल रखी है। तो थोड़ी देर में दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, अभी चिड़िया आ रही है तो वो परेशान हो जाएंगे, इसलिए हम उन्हें परेशान नहीं करेंगे। ये देखो गाइज, यहाँ पे चिड़िया के अंडे, और कुछ ऐसा करके बना रखा है इन्होंने घोंसला। अब बाहर से तो पता भी नहीं चल रहा है कि इसमें अंडे होंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ से ढक रखा है एकदम चम करके घोंसला। तो ये देखो, ये देखो गाइज, घोंसले पे रखे हुए हैं अंडे, वो 4 अंडे हैं। ये देखो, अब सीधा उस दिन दिखाऊँगी मैं आप लोगों को जब इस पर बच्चे आ जाएंगे। तो दोस्तों, अभी शाम की बज चुकी हैं 4, मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ, मतलब फ्रेश हो चुकी हूँ, और अभी आप देख सकते हो बिल्कुल भी धूप नहीं है, बादल एकदम आ चुके हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश होनी हो वाली होगी। अब तो देखते हैं क्या होता है, बारिश होती है या कुछ, या फिर घाम आता है, क्योंकि इस आसमान का भरोसा नहीं है। इस बार हमने प्लान किया था कि हम न्यू रोड में घूमने जाएंगे, अगर मौसम ठीक रहा तो जाएंगे, अगर नहीं रहा तो घर में ही रहेंगे। और मेरे बोलते बोलते आप देख सकते हो धूप आने लग गई है हल्की सी, और आ रही है और छिप रही है यहाँ पे अभी धूप, तो ये आ रही है और छिप रही है, तो देखते हैं क्या होता है आज का मौसम। और तो गाइस, 4 बज चुकी हैं, अभी हूँ रसोई घर में और चाय शुई बनाती हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। चाय अभी मैंने चढ़ा दी है, अभी बाहर का व्यू दिखाती हूँ मैं एक बार आपको, अभी धूप आ चुकी है, ये देखो। यहाँ पे हमने निकाल रखी है लहसुन, और ये प्याज, तो ये हमारे खेत से है, हमने खेत पे लगाया था, तो इतने बड़े बड़े प्याज, ये देखो, और लहसुन और रखी थी, ये लहसुन और प्याज। तो गाइस, ये हमारा रसोई घर, और मैं अभी चाय बना रही हूँ। मुझे थक पता नहीं क्यों लग रही है आज भी फालतू में, ऐ भी थक भी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो अब चाय चुई बनाते हैं, मम्मी पापा को चाय देते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आरोही कर रही है अभी आराम, तो इसलिए अभी आरोही का हल्ला नहीं हो रहा है, नहीं तो आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा शोर आरोही का ही होता, वो शोर क्या होता कि आरू बथा, तो इसलिए आरू का शोर नहीं है ज़्यादा। तो पहले चाय बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस, फाइनली मेरी चाय बन के तैयार है, और पापा के लिए और मेरे लिए मीठी चाय, और मम्मी के लिए रखी है गुड़ वाली चाय। तो अभी चाय देती हूँ पहले, फिर मिलती हूँ।
यहाँ पे बैठी हुई है मम्मी, पापा देख रहे हैं टीवी अंदर, और आरोही और भाभी कर रहे हैं आराम, और हम पी रहे हैं चाय। आप भी आइए, आप भी पिए चाय। तो गाइस शाम की बज चुकी है 6 और हम आ चुके हैं सड़क की ओर घूमने, और जहाँ नीचे है नदी, और जब तक सड़क बनी ही नहीं तो हमारे गांव वालों ने यहाँ कचरा फेंकना स्टार्ट कर दिया है। और मेरे पिछू आ रही हैं दीदियाँ, ये देखो। और मैंने बताया था कि हम रोड देखने जाएंगे, लेकिन तब तक बारिश आ गई थी और अभी आ ही गए हम, और नीचे से बारिश भी आ ही रही है, और दीदियों के साथ चलती हैं आज रोड घूमने। तो आप भी चलिए, ये देखो लोग यहाँ पर साइकिल घुमा रहे हैं, और मैं इन दो लड़कियों को घुमा रही हूँ। लड़की नहीं है, हम वाइफ हैं किसी की, और मेरी थोड़ी ना वाइफ हो तुम, मैं ऐसे थोड़ी ना बोलूंगी, ये मेरी वाइफ को घुमा रही मैं। किसी की और आते हैं। ये देखो, देखो गाइस हम आ चुके हैं अपने गांव के ऊपर, यहाँ नीचे मेरा गांव दिख रहा है, मेरे गांव से होके जा रही है रोड, मतलब गांव के ऊपर से, मेरे गांव के बीच नहीं है, किनारे से होके बीच में जा रही है, और पीछे से दीदियाँ भी आ रही हैं, और हम उधर से नीचे से घूम के आ चुके हैं और सीधा गांव के ऊपर, और यहाँ पे लगा हुआ है धारा। वाओ, ये कुछ कुआं हुआ उधर से, कितना प्यारा पानी यहाँ पे, देखो धारा लगा हुआ है पानी का। दीदी बल हाथ धो रही है, पता नहीं किस चीज़ के, किस चीज के यहाँ पे मैं डूब ना जाऊँ, यहाँ नीचे कच्चर भी हो रखा है, मैं डिवाड़ी हुआ आ रही हूँ ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है तुम्हारा। और यहाँ पे हमारा रास्ता जाता था जंगल का, कहाँ पे से जाता था भाई, ये बांझ है ना, ये देखो ये हमारी, ये एक बिसुण है। हाँ ये हमारी बिसुण हुआ करती थी, ये वाला पत्थर, और सब कुछ टूट गया। मैं यहाँ पता नहीं कब से नहीं आई, और मैं आज दीदियों के साथ मैंने सड़क भी देख दी है, गाय के साथ आई थी मैं, तब से मैं यहाँ नहीं आई हूँ, आज आ गई हूँ, तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है इनके साथ घूम के। हा हा हा। तो गाय इस रोड से घूमते हुए हम आ रखे अपनी दीदी के घर पे, ये देखो यहाँ पे दीदियाँ हैं, और दीदी का घर है हमारे गाँव के सबसे टॉप में, तो मैं अपनी गाँव की रौनक भी दिखाती हूँ आपको बस। और यहाँ नीचे कर रही है, कर रही है यहाँ पे गोड़ाई, ये देखो और ये दिख रहा है मेरे गांव का व्यू इतना अच्छा, ये देखो। तो दीदी आ चुकी है, और दीदी के घर पे आ रखे हैं हम अभी, ये देखो दीदी जा रखी थी घास के लिए, और हमने तब तक यहाँ पे की है फोटो शूट, और ये दीदी जा रखी है यहाँ दीदी का दरवाजा खोलनी, चोर कहीं की क्या जा रही है अंदर तू और हम माँ भी बैठे हैं छत पे, दीदी के साथ गप्पे लगाते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस बस चुके हैं रात की 8:30, और अभी टाइम हो चुका है खाना खाने का, और खाना वाना सब कुछ बन चुका है, अब खाना खाने के लिए हम ले जाते हैं उधर तिवारी में, तो वहाँ में खाते हैं खाना, क्योंकि आजकल बहुत गर्म हो रहा है, किचन में नहीं खा रहे हैं, वहाँ पे लेके जाते हैं, वहीं पे खाएंगे। तो आप भी चलिए, सब लोग वहीं पर बैठ के खा रहे हैं, तो आप भी चलिए हमारे साथ खाना खाने, यहाँ पे बैठे हैं खाना खाने। दे रही है पापा बैठे हैं और आरोही और मैं यहाँ पे, आरू हाय, ये बताओ, ये बताओ ये क्या है, बताओ क्या है ये,
किस चीज का शाक? खाना फ्राई किया है, चावल, रोटी बनाई है, कद्दू की सब्जी एंड दाल। चलो दोस्तों, अभी टाइम हो चुका है, 9 बज चुके हैं और आप चाहते हैं सोने, तो इस ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। आप मिलूंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए व्यस्त रहिए, मेरे ब्लॉग देखते रहिए, यूँ ही लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और अच्छी अच्छी कमेंटें करते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। जय हिंद, जय गढ़वाल, जय देवभूमि उत्तराखंड, एंड गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग।